इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग अभी जारी है। ये जंग दोनों देशों की सीमा से पार हो गई है। दरअसल हमास को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने के बाद इसराइल ने सीरिया को भी अब अपने निशाने पर ले लिया है। सीरिया जो इसराइल का दुश्मन देश है, उसी सीरिया के दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को उड़ाने की खबरें आ रही हैं। सीरिया ने दावा किया है कि इसराइल ने दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए हैं। हमले में रनवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सीरिया के सरकारी चैनल के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सीरिया के प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। इनमें दमिश्क और एलेपो शहर के एयरपोर्ट शामिल। सीरियाई मीडिया के मुताबिक हमले के बाद दोनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सीरिया के सूचना मंत्रालय से जुड़ी सीरियन अरब न्यूज एजेंसी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा है कि हमला 12 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1:50 पर हुआ था। इजरायली सेना ने एलेपो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला किया। इस हमले में एयरपोर्ट के हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि इजरायल ने गाजा में अपने अपराधों को दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीरिया पर हमला किया। वहीं सीरिया ने भी अपने हवाई डिफेंस को इन हमलों का जवाब देने का आदेश दे दिया है। बताया गया है कि हवाई हमले में एलेपो हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। अब तक किसी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। आतंकवादी फिलिस्तीन समूह हमास द्वारा इसराइल में घातक हमलों के बाद सीरिया पर यह पहला इजरायली हमला है। बता दें कि सीरिया में अस्थिर स्थिति को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अधिकारियों के साथ मुलाकात करने वहां जाने वाले थे। मुलाकात से एक दिन पहले ये हमला हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसराइल ने लेबनान के हिजबुल्ला समेत तेहरान समर्थित आतंकवादी समूहों को ईरान से हथियारों की खेप को रोकने के लिए हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया है। इसराइल ने इसी साल अगस्त के अंत में भी एलेपो एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान भी पहुंचा था। हालांकि इसराइल की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसराइल इस बात को दोहराता आया है कि वो अपने कट्टर दुश्मन देशों को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में ये हमले इसराइल की इसी चेतावनी को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।